हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत। तो मैंने एग्जाम की तैयारी कर ली है। मैं ये नहीं कह सकता मैंने टोटल पूरी तैयारी कर ली है, मैं एकदम एकदम अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा, मैं ये भी नहीं कह सकता। और मैं इतना कह सकता हूँ मैं तो पास तो हो जाऊंगा, और 80% मैंने तैयारी कर ली है, और जो बाकी 101 जो बाकी 30% तैयारी मेरी बची थी वो मैं कह नहीं सकता, मैं 30% मेरी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, वो एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद मुझे पता चल जाएगा मैंने कितनी तैयारी की है और मैंने वहाँ पे कितना एग्जाम में किया है, और मुझे क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है उसका मैंने पूरा कर लिया। मैंने एडमिट कार्ड अपना ये रख लिया, और अपनी पानी की बोतल और पेंसिल बॉक्स और मैं पर्स, इसमें पर्स में काफी इंपॉर्टेंट चीज रखी है, अपना आधार कार्ड और पैसे रखे हैं, और दो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड अगर मैं घर में भूल गया तो मैं पेपर सेंटर में नहीं जा पाऊंगा, अंदर ही नहीं जा पाऊंगा। तो इस चक्कर में मैंने अपना एडमिट कार्ड जल्दी से मैं बैग में रखता हूँ। सारा सामान रखने के बाद मैं जा रहा हूँ फिर थोड़ा सा एक आधा घंटे के लिए रिविजन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सोऊंगा, और मुझे 7:30 बजे उठना है और 8 बजे तक पहले निकल लेना है, क्योंकि अगर वहां पे काफी दूर सेंटर है मेरा और वहां जाने में थोड़ा सा एक घंटा तो 1.5 घंटा तो लगेगा ही। इस चक्कर में मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी उठूंगा, जल्दी जाऊंगा, आके आराम से मैं सो लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पेपर के देने का मैं सोता रह गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जल्दी से आधे घंटे के लिए रिविजन मारता हूँ एग्जाम का और फिर सोता हूँ, और आपको सुबह मुलाकात करूंगा। तो चलो मैं ब्लॉग के यहीं एंड करता हूँ, और सबको मैं गुड नाइट, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहीं सोया तो मैं जल्दी सुबह नहीं उठूंगा। तो चलिए सबको फिर से गुड नाइट। काम के लिए अपने सेंटर पर निकल चुका हूँ बैग वैग लेके, और देखता हूँ मुझे कितना टाइम लगता है, क्योंकि मैं आधा घंटा लेट हो गया हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी चलता हूँ और थोड़ा तो ब्लॉग इसमें कम शूट करूँ। बहुत अच्छा गया भाई, इससे पूछने लायक है। एक नंबर पेपर गया। हाँ, इनका हर क्वेश्चन आंसर बताने के बाद मेरा यही है ऑप्शन। भाई आपका पेपर क्या कर रहे थे तुम? और आपका हम तो इनके साथ छोड़ने गए थे। वो दूसरा बंदा कहाँ गया हमारा? वो तो पूरा बिजी है एकदम। 95 रुपए चाहिए। चल झूठा। अच्छा आप अच्छा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं, इनको ही लगता है आपका अगर सिलेक्शन होगा तो आपका भी नहीं होगा, नहीं होगा तो हमारा होगा, देखिए हमारा हो चाहे ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे दोस्तों का नहीं होना चाहिए वरना साथ में पड़ेगा कौन? गजब बेइज्जती है। अरे ये बोतल किसकी बोतल चोरी करके लाए हो? ये कह रहा है हमारी बोतल है नहीं। आपको क्या लगता है आपका पेपर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या इनका होगा सिलेक्शन? सर इन्होंने 100 में 150 क्वेश्चन कर दिए। अरे इन्होंने 100 की जगह 200 क्वेश्चन किए हैं। नो क्या इनका तो 100% होगा कह रहे, लगता है ये कह रहे हैं। 18,000 वाला अप्रेंटिस मिलेगा? नहीं भाई 9,000 वाला। भाई को 20,000 वाला। भाई चिड़िया 30,000 पैसा ही पैसा होगा। अगर मिला सिलेक्शन सबका हुआ तो साथ ही मिलेंगे। मेरा 12:30 बजे पेपर खत्म हो गया था, तो वहां निकलते निकलते 1 बज गया था। तो वहां से मैं क्या इतनी भीड़ थी, मैं क्या लोगों के रोड पे क्या शूट करूँ ब्लॉग, तो इसलिए मैं ज्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया वहां पे, केवल जहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा बहुत जो पेपर देने आए थे वो एक साथ साथ में गए थे, वो साथ में वापस आए थे, तो उनके साथ थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया। उसके बाद फिर मैं अपने घर में आया, पापा ने बोला कहाँ पहुंचे हो? मैंने कहा टटिया पहुंचा हूँ। तो वहां से मिल ले सामान ले आना, 1 घंटा लग गया सामान लेके आया घर पे। मुझे आते आते मुझे तेज भूख लगने लगी, तो मैंने ज्यादा फिर ब्लॉग शूट नहीं किया। मैं वो आया एकदम से खाने पे, पहले देखा खाना क्या गया, क्या हाथ धोया फिर खाना खाया, उसके बाद तो फिर अपने मेरे सर में एकदम से दर्द होने लगा। मैंने कहा चाय बना देता हूँ, तो थोड़ी सी चाय पी मैंने, और चाय में थोड़ी सी आज कम बनी, आज भर के नहीं बनी चाय,
तो चाय पीते हैं फिर आपसे मिलते हैं, और क्योंकि अभी गाड़ी वाला कचरा वाला आया है उसको कचरा दे दे वरना वो चला जाएगा, और पापा आएंगे बोलेंगे कचरा दिया नहीं, तो मेरी डांट पड़ेगी, तो मैं कचरा दे के आता हूँ। दो दिन से ज़्यादा था मैं अब बनाऊंगा मैगी, फिर अब बनाऊंगा मैगी, वो टाइम नहीं मिल पा रहा था मैगी बनाने का, और मैं सोचा प्रिपेयर हो जाएगा उसके दिन अगले दिन बनाऊंगा मैगी, तो अब मैं आज जा रहा हूँ बनाने, वो अगले दिन के लिए आज जा रहा हूँ बनाने। तो और चीज लाने गया था तो दुकान थोड़ी देर के लिए बंद हो गई है, तो मैं इसलिए अभी मुझे बनाना है, क्योंकि अगर मैं देर से मैगी बनाता हूँ 7-8 बजे मैगी बनाऊंगा और फिर चीज लेके आऊंगा तो फिर देर हो जाएगी, फिर खाने का भी टाइम हो जाएगा। चक्कर में मैं पहले ही मैगी बना दे रहा हूँ, और बटर बटर रखा है तो बटर डाल के मैगी बनाएंगे, चीज अगर चीज डाल के अगली बार बना लेंगे मैगी, तो बटर रखा बटर रखे मैगी बनाते हैं। और मैंने सब्जी काट के रख लिया है, बैंगन और आलू पानी काट के पानी से पानी में भिगो के रख दिया है, तो जब सब्जी बनाना होगा बस प्याज काटना है, मिर्चा काटना है, कढ़ाई में तेल डालना है, तुरंत बना लेना है, इसलिए सब्जी पका के रेडी रख देता हूँ मैं। ये मेरी मम्मी भी करती है। पानी आ रहा है ना अभी जाके खा लूं, तो अभी थोड़ा सा पका के मैंने इसको अभी इंडक्शन बंद कर दिया है, और थोड़ी देर में अभी सर्व करूंगा, आ जाए वो भी 5-10 मिनट वो भी आ रहे हैं जिनको मैगी जिनके लिए मैंने बनाई है, और मैं अपने वैसे के लिए नहीं बनाई अपने लिए बनाई थी, वो भी आ रहे हैं तो उनको भी दे देंगे मैगी, वो भी खा लेंगे बटर वाली मैगी, पहली बार ट्राई किया है, वो भी टेस्ट करके बता देंगे कैसी बनी मैगी। और आप देख सकते हैं मैगी एकदम से रेडी, इंडक्शन भी ऑफ हो चुका है, तो अभी मैं मैगी लेके अपनी आ चुका हूँ, और जिसको सर्व कर सर्व कर दिया, और मैं पहली बार जो बटर वाली मैगी मैंने बनाई है, चलो मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ कैसी बनी है। बड़ी टेस्टी बनी है, और बटर डाल के मैं सोचा नहीं था इतनी बढ़िया बन जाएगी, तो ग्रेट सक्सेस। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, आपको अगर बनानी है बटर वाली, अगर सोच रहा बनाऊं या अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, तो आप ट्राई करके देखिएगा, मेरे को तो इतनी अच्छी लगी है, तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, और अच्छी ना लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी तब भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं अपनी मैगी का मजा लेता हूँ, फिर मैं आपसे बता दूंगी। अब इतना तेज पानी आ रहा है ना, तो मैं ब्लॉग खजाने में कहीं दिल से लार टपक गई ना, तो ब्लॉग में अच्छा नहीं लगेगा, तो जल्दी से मैं मैगी खाता हूँ। ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करेगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बाय।